परस्परवादातून अभिषेक घोसाळकरचा खून झाला. आरोपी आणि अभिषेक घोसाळकर दोघेही एकत्र काम करत होते आणि यांच्यात झालेल्या भांडणातून ही हत्या झाली. बेकायदेशीर शस्त्रे तसेच सर्व बंदुका कोठून आल्या याचा पोलीस तपास करीत आहे. सर्व बंदुकीचे परवाने दिले आहेत. महाराष्ट्राचा आढावा घेऊन छाननी केली जाईल अशी प्रतिक्रिया गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. कल यूबीटी के नेता अभिषेक घोसाळकर इनकी जो हत्या हुई और हत्या के बाद जिन्होंने हत्या की वो मॉरिस इन्होंने भी अपने आप को गोली मार ली. ये पूरी घटना बहुत गंभीर है. इस प्रकार से एक युवा नेता की मृत्यु होना ये दुखद है, किंतु इसको कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर और उस पर राजनीति करना ये भी बहुत दुखद है, क्योंकि 2024 में भी मॉरिस और घोसाळकर जी इनके साथ में हमको बैनर्स देखने को मिले, साथ में नए साल का स्वागत उन्होंने मिलकर किया. कई वर्षों से वो साथ में काम करते थे, किन्हीं कारणों से उनमें दुश्मनी तैयार हुई थी. अभी उनमें से कई कारण सामने आ रहे हैं जिसकी तफ्तीश चल रही है. एक बार इसकी पुष्टि होने के बाद वो कारण भी बताए जाएंगे. तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो घटना है, ये घटना एक प्रकार से जो आपसी बैर है उसके कारण हुई है. ये लोग साथ में ही काम करने वाले लोग थे, लेकिन इस घटना को देखते हुए राज्य सरकार ने जो गन लाइसेंसेस इश्यू हुए हैं उसके बारे में, या फिर अगर बिगर लाइसेंस की कोई गन अगर मिलती है तो वो कहां से आई है, ये सारी चीजों की तफ्तीश करने के आदेश